आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज के शो में खास बात होगी ओके क्रेडिट की। ओके क्रेडिट जिसने एसएमबीज के लिए एक ऐसा ऐप डेवलप किया जिसने देसी बही खातों को बदलकर पूरी तरह से डिजिटल कर दिया, क्योंकि डिजिटल का जमाना है इसलिए ये ऐप आपके बही खातों को पूरी तरह से डिजिटाइज कर सकता है। 2017 में हर्ष पोखरणा, गौरव कुमार और आदित्य प्रसाद ने ओके क्रेडिट की शुरुआत की और इस ऐप के जरिए ना सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी कि आप सिर्फ पेमेंट्स और रिसीवेबल्स की जानकारी नहीं पाल सकते हैं बल्कि टाइमली रिमाइंडर्स भी आपको मिल जाते हैं ताकि आपकी कलेक्शन जो है, आपका बैलेंस सेटलमेंट जो है वो बहुत आसानी से हो सके, इसके लिए रिमाइंडर्स भी लगातार भेजे जाते हैं। इस ऐप ने 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स देख लिए हैं और 10 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ये मौजूद है। ज्यादा समय ना गमाते हुए मेरे साथ हर्ष पोखरणा जुड़ गए हैं जो को फाउंडर और सीईओ हैं ओके क्रेडिट के। हर्ष, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। No, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए एंड काफी एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने में। हर्ष, सबसे पहले ये बताइए ओके क्रेडिट की शुरुआत कैसे हुई? 2017 में आप तीन लोगों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की, क्या कुछ दिमाग में था जब इस ऐप को तैयार करने के बारे में सोचा? तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज हमारे दिमाग में थी वो ये थी कि इंडिया का जो मार्केट है वो लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट? बहुत सारे बड़े मार्केट प्लेसेस, Amazon, Flipkart और इस तरह के बहुत मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं, बट वो सारे छोटे MSMEs को साइडलाइन कर रहे हैं, राइट? वो कंज्यूमर की रिलेशनशिप खुद ओन करते हैं, राइट? तो हमारे दिमाग में था कि क्या हम ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जिससे हम इन छोटे MSMEs को भी वो सेम एक्सपीरियंस जो मार्केट प्लेस अपने कस्टमर को देती है वैसा एक्सपीरियंस इनको देने को दे सके, बिकॉज ये अगर डिजिटल नहीं होंगे तो इनका बिजनेस नीचे जाएगा, राइट? सो बेसिकली हमारे दिमाग में मेन चीज यही थी, हमारा विजन था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, फॉर स्मॉल बिजनेसेस, और उसी पे हम लोग फोकस थे। तो तब हम लोगों ने हमारे सामने ही एक शॉपकीपर थे जिसके साथ हमने बातें करना शुरू किया, उनकी प्रॉब्लम समझना शुरू किया और ये एक प्रॉब्लम हमें समझ आई कि वो आज किस तरह से बहुत सारा उधार दे रहे हैं, उधार को सेल्स टूल की तरह यूज कर रहे हैं, तो कैसे इस प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है विथ, मतलब कि ये एक बड़ा विजन जो हमारे दिमाग में था कि हम इनके लिए टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं बहुत ही सिंपल टू यूज, बहुत ही अफोर्डेबल, राइट, ताकि ये लोग भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सके और अपना बिजनेस ग्रो कर सके और जो बिग टेक है जो इनका बिजनेस खा रही है उससे फाइट कर सके। हर्ष, तो बताइए मुझे कि ओके क्रेडिट पर कैसे इस ऐप के इस्तेमाल से मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ और कितने तक की ट्रांजैक्शंस मैं इसमें डाल सकती हूँ? क्या कोई डेट लिमिट यहाँ पर सेट की गई है कि देखिए इस महीने की इस तारीख के बाद आपको रिमाइंडर्स आने शुरू हो जाएंगे, इसके बारे में जरा कुछ और बता सके तो? हाँ, तो सिर्फ एक जो बेसिक आइडिया है हमारा ये था कि मेनली बहुत सारे एप्लीकेशन उससे पहले भी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता था बिजनेस के लिए बट वो बिजनेस क्यों यूज नहीं कर पा रहा था, तो हमें दो बैरियर दिखे। सबसे पहला दिखा इस्तेमाल करने की इजीनेस, राइट, कि कितना इजी है सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, और दूसरा उसकी अफोर्डेबिलिटी कि क्या आदमी वो खर्च कर सकता है। तो हमारा मेन एम था कि हम ये दोनों बैरियर तोड़ेंगे, राइट? तो हमने मोबाइल पे सोल्यूशन बनाया, नॉट ऑन कंप्यूटर, राइट, जो बहुत लोगों के पास नहीं था, और बहुत ही सिंपल टू यूज बनाया, और सेकेंड फ्री ऑफ यूज, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, राइट, कुछ चार्ज नहीं किया लोगों से उसके लिए। तो अब अगेन तो टॉकिंग मतलब लिमिट्स या किसी की भी बात करें तो कोई लिमिट्स नहीं है इसके अंदर। बेसिकली आदमी आ सकता है, फ्री में ऐप डाउनलोड कर सकता है, अपने सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह उस पे रिकॉर्ड कर सकता है एंड अपने कस्टमर्स को जब चाहे रिमाइंडर भेज सकता है, पेमेंट लिंक्स भेज सकता है और उनसे पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। तो क्या ये ट्रांजैक्शंस मुझे मैनुअली डालनी पड़ेंगी या फिर वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए भी मैं ये ट्रांजैक्शंस डाल सकती हूँ? तो शुरू में जब हमने शुरू किया था तो आपको मैनुअली डालनी पड़ी थी, लेकिन अभी हमने रियलाइज किया है कि कुछ लोग हैं जो टाइपिंग और सबसे कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनके लिए अब हमने वॉइस फर्स्ट फीचर बनाया है जहां पे वो बस ऐसा बोल सकते हैं ऐप में कि हर्ष पे 500 रुपए का उधार डालिए
और ऑटोमेटिकली ऐप वो अपडेट कर देगी, हर्ष को रिमाइंडर भेज देगी, पेमेंट लिंक भेज देगी जिससे हर्ष पेमेंट आपको कर सकता है और आपके ऐप में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि हर्ष का 500 रुपए पेमेंट आ गया है। तो जितना हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं हम उतना ऑटोमेट करने की कोशिश करता है। चलिए बहुत बढ़िया, सुनने में भी बहुत आसान लग रहा है एंड आई एम श्योर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अगर डाउनलोड किया है तो यूज करने में भी बेहद आसान होगा। लेकिन हर्ष एक बात बताइए, अब किस तरह की रिसर्च आप लोगों ने शुरुआत में की थी, क्योंकि जाहिर तौर पर चैलेंजेस जरूर आए होंगे। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 4 साल हुए हैं जब आप मार्केट में आए हैं, लेकिन चैलेंजेस इस तरह के छोटे स्टार्टअप के लिए कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास उतना पैसा भी नहीं होता है बिजनेस में डालने के लिए। तो देख, एक तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि 10 मिलियन वाला नंबर थोड़ा पुराना हो गया है, अब हमारे ऐप के डाउनलोड्स 50 मिलियन तक पहुंच गए हैं जी। और कांग्रेचुलेशंस उसके लिए, आपकी वेबसाइट से मुझे ये नंबर मिला तो मुझे लगा कि शायद ये 10 मिलियन वाला आंकड़ा जो है ये सिर्फ इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, 50 मिलियन बहुत ही बेहतरीन नंबर है इतने कम समय में जी। और दूसरा मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आए, मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे शुरू में हमें चैलेंज आया था, पहला आया था हमारा यूजर इंटरफेस का चैलेंज, राइट। हम लोगों ने अपना पहला ऐप बना दिया जैसे हम कंफर्टेबल थे अपना मोबाइल यूज करने में, लेकिन जैसे ही हम अब उसे अपने सामने वाले किराना स्टोर के पास लेके गए उसको कुछ समझ नहीं आया कि मेरे को कैसे यूज करना है। और हमारे ऐप की सबसे बड़ी चीज है कि स्टोर का ओनर तो यूज कर ही पाना चाहिए, साथ साथ इम्प्लॉय भी यूज कर पाना चाहिए, क्योंकि जब ओनर दुकान पे नहीं है तब इम्प्लॉय वही खाता मैनेज करता है। तो जब इम्प्लॉय को हमने दिखाया तो वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, क्योंकि एक इम्प्लॉय था जो शब्द नहीं समझ पाता था, बस नंबर समझ पाता था, एक था जिसको हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ आती थी, बस कन्नड़ समझ आती थी। तो हमें ये चैलेंज हमारा सबसे पहले था, तो हमें बहुत सारे आइट्रेशन लगे जिसमें हमने अपना यूजर इंटरफेस बहुत सिंप्लीफाई किया, नंबर फर्स्ट किया शब्दों की जगह लोकल लैंग्वेज में निकाला, तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ट्रस्ट, राइट, कि दुकानदार हम पे भरोसा नहीं करता था कि यार भाई तुम्हारा ऐप कल को गायब हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा ऐप सही कैलकुलेट करता है या गलत कैलकुलेट करता है, तुम्हारा डेटा कल को गायब हो गया तो मैं क्या करूंगा, तुम अपना डेटा गवर्नमेंट को दे दोगे तो मैं क्या करूंगा, राइट। तो उसमें हमें जो हमारा पहला दुकानदार था उसके साथ हमें महीना भर लगा, जब वो रोज एक बही खाता भी लिखता था और ऐप में भी डालता था और फिर रोज रात को कैलकुलेशन चेक करता था कि क्या ये ऐप सही कैलकुलेशन कर रही है जो मेरा है, अच्छा क्या इसमें से डेटा गायब तो नहीं हो रहा, अच्छा मैं रोज फोन खोलता हूँ सुबह तो ऐप गायब तो नहीं हो जाता। तो वो हमें महीना भर लग गया इसको भरोसा दिलाने में, लेकिन एक बार जब उसको भरोसा मिल गया तब हमें समझ आया कि अब हम दूसरे दुकानदार के साथ सेम चीज नहीं कर सकते, एक महीना फिर से नहीं लगा सकते, तो हम उसके रेफरल लेने लगे, क्योंकि उसने फिर अपने भाई को बताया तो उसके भाई का ऑटोमेटिकली हमारे ऐप पे भरोसा बन गया कि मेरा भाई बता रहा है वो यूज कर रहा है तो ऐप सब कुछ सही करता होगा। तो शुरू में हमारे लिए रेफरल्स बहुत ज्यादा काम किया ये भरोसे वाले चैलेंज को तोड़ने, और फिर धीरे धीरे जैसे हमारा ऐप बढ़ता गया तो ऑटोमेटिकली सोशल प्रूफ की वजह से फिर अब नए लोगों को अपने आप भरोसा हो जाता है। एक बात बताइए, 10 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, क्या कोई खास फीचर अभी तक ये है कि रिमाइंडर्स चले जाते हैं, एंड ऑफ द डे का कैलकुलेशन होता होगा, एंड ऑफ द मंथ का कैलकुलेशन होता होगा, इनके अलावा क्या कोई नया फीचर है जो साल खत्म होते होते आप अपने कस्टमर्स को देंगे? जी मतलब काफी नए फीचर्स हैं, तो जैसा बस ओके क्रेडिट की बात करें तो अभी हमने इसके अंदर, पहले आप बस अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते थे और सामने वाले को रिमाइंडर भेज सकते थे, अब आप रिमाइंडर के साथ पेमेंट लिंक भी भेज सकते हैं और पेमेंट लिंक में सारे तरह के ऑप्शन है, UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, राइट। तो एक जो छोटा दुकानदार था जो अपने कस्टमर्स को इतने तरह के पेमेंट ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कर पाता था, आज उसके पास एक फ्री में ऑप्शन अवेलेबल है कि अब वो पेमेंट लिंक्स भेज सकता है और अपने कस्टमर से जिस तरह से चाहे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। दूसरी चीज है कि अब बिकॉज हमारे पास इतने सारे यूजर्स हैं और उनका इतना सारा विजिबिलिटी है हमें कि वो इतने कस्टमर्स के साथ करते हैं, तो अब उसके बेसिस पे हमने उन्हें लोन्स देना चालू किया है, क्योंकि हमें समझ आया कि लाइक वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेसेस का,
तो ये एक दूसरा फीचर है जो हमने अभी लॉन्च किया है और काफी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हमने दो और ऐप बनाई है, एक ओके स्टाफ और एक ओके शॉप, राइट। तो ओके शॉप क्या करता है कि आपको आपका डिजिटल स्टोर फ्रंट देता है, लाइक आपकी वेबसाइट, कि आप किसी को भी लाइक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी वेबसाइट भेज सकते हैं, जिससे बंदा डायरेक्टली आपसे बिना आपकी दुकान पे सामान खरीद सकता है, राइट। तो एक ये ओके शॉप है, और ओके स्टाफ है जिसमें आप आराम से अपने सारे एम्प्लॉइज की अटेंडेंस, पेरोल वगैरह मैनेज कर सकते हैं। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, मतलब एक ही ऐप डाउनलोड कीजिए और आपके कम से कम 3 से 4 काम जो है वो चुटकियों बजाते यहाँ पर हो जाएंगे। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूँ, सिर्फ 2-3 साल नहीं बल्कि आने वाले 5 सालों में, आखिर में ये समझना चाहूंगी कि कंपनी का क्या कुछ टारगेट है और कैसे आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम इस समय पर उठा रहे हैं। जी, तो हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है, जो सबसे बड़ा विजन है, वो यही है कि हमें ये छोटे बिजनेसेस को इतना डिजिटली कैपेबल बनाना है कि वो बड़ी कंपनी से लड़ सके, राइट, और उनका बिजनेस वो ना खा पाए, राइट। तो आज वो खुद से नए कनेक्शंस ढूंढ सके, खुद से नए सप्लायर ढूंढ सके, खुद से नई चीजें ढूंढ सके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाए। तो हम पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें वो एक डिजिटल लाइक कैपेबल है और बड़ी कंपनियों से लड़ पा रहे हैं। ये हमारा मेजर विजन है, और आगे जाते जाते इसी तरह के हम और एप्स बनाते रहना चाहते हैं जिससे हम उनके बिजनेस को और डिजिटाइज कर सके, उनको नए सप्लायर्स से कनेक्ट करा सके, उनको नए क्रेडिट के सोर्सेस से कनेक्ट करा सके, उनको नए कस्टमर्स से कनेक्ट करा सके और उनका बिजनेस डिजिटाइज करा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर समय देने के लिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और नए फीचर्स के साथ और कस्टमर फ्रेंडली एप्लीकेशंस के साथ आप यहाँ पर बाजार में उतरे, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। मेड इन इंडिया में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक और खास शख्स से आपकी कराएंगे मुलाकात। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।